नसीर साहब कैसे ठीक हो? ये सारी बहन तेरी बहन पर ये सारे पिपी वाले चढ़ाऊंगा। शेर के लिए आ रहे सारे, तीन चार गाड़ी आ रही है तेरी बहन के पीछे। आई लव यू अदम अमीन, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो सिर्फ ताहिर नसीर बड़वे के लिए है, जो उसका औकात था आपको पता है खुसरो का, समझ आई? तो आप ऐसा करो, अपनी बहन को ले आओ, अपनी बीबी को ले आओ, 20,000 रुपये पर नाइट मैं आपको दूंगा, दम भाई से लूंगा। एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, साथी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि साथी चढ़ाएगा तो फिर बच्चा नहीं होगा, और जब साथी नहीं चढ़ाए तो बच्चा ऑलरेडी हो जाएगा, तो उसका नाम भी हम रखेंगे चौधरी, समझ आई? तुमसे तो वैसे भी काम नहीं हो सकता, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अपनी बीबी को भी ले आओ, अपनी बहन को भी ले आओ, समझ आई? माँ का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, माँ एक ज़बरदस्त हस्ती है, उसके लिए मैं गाली नहीं दे सकता हूँ। अपना शक्ल देखो, और तुम फिर आदम अमीन साहब के अबू का नाम ले रहे हो, समझ आई ना? FIR में तो तुम्हारा नाम है, ये बात याद रखो। आपको तो मैंने बोला था ना कि तूने माँ का दूध पिया, माँ का, तो तुम आओगे नेब कोर्ट में, तुम नहीं आए, तुमने माँ का दूध पिया नहीं है। हम तो 18 बंदे तुम्हारे इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम कब आओगे, समझ आई? 4 गनमैन और 12 बंदे और आपके इंतज़ार कर रहे थे कि तुम आओगे। सैफुर रहमान के डेट पर भी तू नहीं है, और आदम अमीन साहब के डेट पर भी नहीं है, तुमने बोला कि मैं आऊँगा, तूने माँ का दूध पिया नहीं है, बेगैरत इंसान बड़वे, तुम क्या कहते हो? किसने खुद अपने आप को ऊपर गाली मारी? खुद को ही अपने आप को नहीं मारते किया आपने? और इंशाल्लाह इसका हक तुम जिताओगे, समझ आई ना? आप देख लो, बेफिक्र हो, कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपके पास ऐसी न्यूज़ आएंगे ना, हम आपको बताएंगे कानूनी तौर पर, समझ आई ना? तूने माँ का दूध पिया, माँ का, वो जो हस्ती है, तो तुम 7 तारीख को नेब कोर्ट में आओगे, समझ आई? 7 तारीख को तू नहीं आया तो समझो कि तेरी माँ पर भी सारे मोहल्ला चढ़ा है, ये बात याद रखो। है हरामी इंसान, तूने एक हस्ती का नाम ले लिया, आदम अमीन साहब की बाप, अमीन साहब, अमीन साहब, अल्लाह के बंदे अपने बाप बेटे के साथ प्यार करता है, समझ आई ना? अपने बेटे पर कोई गोली नहीं चलाता। ये तुम्हारे औकात होगा कि 10-20 रुपए के लिए अपनी माँ बहन को भी लेके आ जाते हो यूट्यूब पर, तुम्हारा औकात क्या था पहले? तुम एक दलाल थे, समझ आई? खुश रहोगा, सुबह इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगा, तुम्हारी तस्वीरें भी दिखाऊँगा कि तुम क्या थे और तुम क्या बन गए हो, समझ आई ना? ये मैं आपको बताऊँगा। तुम भी आदम अमीन से पैसे मांग रहे थे ना, तूने नहीं मांगा, उसने खुद प्रूफ किया, आपने बोला था कि वो प्रूफ करेगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। यूट्यूब तो कैसे छोड़ेगा, यूट्यूब पर तो अपनी बहन माँ को नचा रहे हो मेरी जान, तुम्हारा कारोबार इसी पर है, समझ आई ना? मैं आपका आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दिस इज़ लास्ट वार्निंग, ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम इज़ योर सलाहों के पीछे होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत से, समझ आई, कि आदम अमीन एक हस्ती है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में कैसे बंदा है कि उसने हमारे लिए काम किया था। तुम्हारी बहन माँ तो चलती है, समझ आई ना? वो तो चकले में चल रही है, वो ऐसे लोग तो नहीं है, अल्लाह के बंदे पाकिस्तान में उसने ऐसे काम लाया। आइंदा तूने उसके मुखालिफ वीडियो बनाया, समझ आए, तो मैं तेरे साथ वो काम करूँगा ना कि तू आगे से पैदा हुआ है ना, तो पीछे से तुम्हारी बंद कर लूँगा, समझ आई ना? और तुम्हारी वो जो बहन है ना, वो भी मुझे पता है बारकों में क्या किसके साथ पकड़ी थी, ये पता है आपको किसके साथ पकड़ी थी, ये भी बताओ ज़रा। हमारा तो वैसे भी फाउंडर फारिग है, फैसल भाई भी इस चीज़ों का बड़ा शौकीन है कि तुमने करने तो बताओ, और इस टाइम तो वैसे भी अदम का तो फैमिली है नहीं, तो फेस करो, 20-25-30,000 रुपये आपको नाइट दे देंगे, बेफिक्र हो, अपनी बहन को ले आओ, और जो आपकी वो आने वाली छोटी सी है उसको भी ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अभी करते हैं इसी पैसा के ज़रिए से। यूट्यूब से आप क्या कमाओगे, $2, $3, $4, आपको 20-25,000 रुपये नाइट मिलता है, तो उससे अच्छा नहीं है? मुझे जवाब दे दो, समझ आई ना? जवाब दे दो, मैं तुम्हारे इंतज़ार करता हूँ। आज फिर से 200 रिपोर्टें इसकी यूट्यूब पर मारनी है, समझ आई? 200 रिपोर्टें इस बेगैरत की यूट्यूब पर मारनी है, क्योंकि ये है हराम का बच्चा, वो जो हराम का बच्चा होते हैं वो तो ऐसे होता है, समझ आई? आइंदा तूने वीडियो बनाया आदम अमीन साहब के बाप के ख़िलाफ़, तो फिर मैं तेरे साथ वो काम करूँगा कभी तूने किया भी नहीं, ये बात याद रखो। और ये भी आपको बता रहा हूँ, आओ मिलो, फेस करो, फेस तुम कर नहीं सकते, माचो दल्ले बेगैरत, समझ आई? इस दफ़ा तुम्हारी बहन के ऊपर आदम अमीन को मैं चढ़ाऊँगा, और ये तुम देख लो, इस नेब कोर्ट से मैं तुझे लेके जाऊँगा तुम्हारे घर में। वैसे भी हमारे पास तो ऑफिस बहुत है, बेरिया टाउन में जगह में बहुत ऑफिस है, मेरी बंगले बहुत हैं,
उसको ले आओ, फिक्स टाइम बताओ, जितना अमाउंट है आपको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, अभी चाहिए तो अभी मैं करता हूँ तुम्हारे नंबर पर, समझ आई? बेगैरत इंसान, माचो, दल्ले, कमीने, बड़वे, बहन माँ को चलाते हो, बीबी को चला रहे हो, तुझे शर्म भी नहीं आ रहा, और तुम आके हमारे सीओ के पीछे वीडियो बना रहे हो, बंद करो, तेरी माँ का कस मारो, गश्ती के बच्चे।